2015 में एक कार्गो प्लेन के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे या फिर बहुत हंसेंगे। हुआ कुछ ऐसा कि 2015 में सिंगापुर एयरलाइंस का बोइंग 747 कार्गो प्लेन ऑस्ट्रेलिया की सिडनी से वापस कुआलालंपुर आ रहा था। अभी उड़ान को भरे सिर्फ 45 मिनट हुए थे कि तभी प्लेन में कुछ ऐसा हुआ जिससे प्लेन में लगे स्मोक अलार्म बजने लगे। ये देख पायलट ने इंडोनेशिया के आइलैंड बाली पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मोक अलार्म बजने की वजह आग होगी, लेकिन जब प्लेन की जाँच करवाई गयी तो ये पता चला कि स्मोक अलार्म बजने की वजह प्लेन में रखा कार्गो कंटेनर था जिसमें करीब 2000 से ज्यादा भेड़ थी। दरअसल हुआ ये कि भेड़ों ने इतनी गैस छोड़ी कि प्लेन में लगे स्मोक डिटेक्टर एक्टिवेट हो गए, जिसके कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी और इस प्लेन को बाली एयरपोर्ट पर 2.5 घंटे खड़ा रहना पड़ा। इस दौरान प्लेन के अंदर का माहौल कैसा होगा वो आप ही सोचिए।